हमारे वरिष्ठ नेता एवं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के मंत्री आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मंचस्थ एमएलए साहब आशीष शेलार जी, भाजपा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, डॉक्टर जहीर काजी साहब, सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय इंदिवर पांडे जी, सचिव माइनॉरिटी अफेयर्स रेणुका जी, सम्मानित मंच देवी और सज्जनों, आज जब इस मंच से डॉक्टर जहीर काजी साहब का उद्बोधन सुन रही थी तो उन्होंने याद किए वो लम्हे जो शिक्षा मंत्रालय में उन्होंने हमारे साथ कुछ चुनौती लेकर आए थे, लेकिन खुशकिस्मती है कि समाधान लेकर गए। डॉक्टर काजी ने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया कि मोदी सरकार में मंत्रियों का इतनी आसानी से मिलना, वर्षों से चली आ रही चुनौतियों को इतनी आसानी से सुलझाना और उसके बाद फोन कॉल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद डॉक्टर काजी का पाना कि आप जो विषय लेकर आए थे उस विषय का समाधान और निर्णय हो चुका है। एक निश्चित समय अवधि में लक्ष्य की पूर्ति करना, मोदी सरकार के दो नुमाइंदे आपके सामने आज उपस्थित हैं और दोनों उन प्रतिनिधियों के बारे में आपने ऐसे सम्मान बढ़ाने वाले शब्द कहे। सरकार की ओर से मैं मात्र ये कह सकती हूँ डॉक्टर काजी कि साल 2014 में जब जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया तो इसी विश्वास के साथ दिया कि वर्षों से चली आती हुई चुनौतियों का समाधान मानवीय स्तर पर अगर प्रशासन दे पाएगा तो उस नेता का नाम सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और मैंने इस विषय को क्यों छेड़ा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि महिला स्वास्थ्य के जो विषय हैं उनको महिलाओं तक सीमित रखा जाता था। आज इस मंच पर मात्र दो महिलाएं हैं, वो भी क्योंकि हम अपनी सर्विस में है इसीलिए इस मंच पर है। और महिला स्वास्थ्य को लेकर परिचर्चा में अगर भाग ले रहे हैं तो ज्यादातर पुरुष भाग ले रहे हैं। विमेन्स इश्यूज को सोशल इशू बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और वो सोशल इश्यूज कैसे बने, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने, एक पुरुष नेता ने लाल किले की प्राचीर से कहा 15 अगस्त को कि अगर हम वाकई में औरतों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं तो कम से कम उनकी दिन की शुरुआत तो इज्जत से हो। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया स्वच्छ भारत मिशन का और उस मिशन में प्राथमिकता दी कि महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बनाया जाए। उस वक्त किसी औरत ने किसी नेता से टॉयलेट बनाओ ये मांग नहीं रखी थी। चुनाव समाप्त हो गया था, एक ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी पा चुके थे, लेकिन एक मानवीय स्वभाव जो एक नेता का होता है उसका परिचय देते हुए नरेंद्र भाई ने कहा अगर हम सच में चाहते हैं कि एक आजाद भारत में सर उठाकर हम सब जिए तो सर उठाकर जीने का हक उस औरत का भी है जो खुले में जाकर शौच करती है। और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में हमने 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को जीवन में पहली बार आज़ादी में टॉयलेट बना कर दिया। बार बार कई नेताओं ने कसीदे पढ़े कि हमने कितना उत्थान किया देश में, लेकिन मूलभूत सेवाओं से एक महिला कितनी वंचित रही उस पर नरेंद्र भाई की अटेंशन थी, उनके प्रयास थे। कुछ लोगों को ये लगा कि टॉयलेट का न्यूट्रिशन से क्या संबंध है, लेकिन खासा संबंध है। जैसे कि डॉक्टर ईरानी यहाँ पर आकर उद्बोधन दे रही थी कि बच्चे के पहले जीवन के 2 साल उसके लिए कितने अहम हैं, ये साइंटिफिकली तो प्रूवन हो चुका है, सोशली इस पर चर्चा कम रही है। कई लोगों को लगता है कि बच्चा बोलने लगा चलने लगा उसके बाद उसकी परवरिश पर तवज्जो दे तो शायद बच्चा और निखरे और खिले, लेकिन सत्य यह है कि जन्म के बाद ही सबसे पहले
महिलाओं में इस चर्चा को जारी रखना पड़ेगा और इस चर्चा में परिवारों में पुरुषों को सहभागी होना पड़ेगा कि स्तनपान कितना जरूरी है, सोने से कम नहीं है, एक बच्चे के लिए वो जीवनदायिनी का काम करता है। और स्वच्छता भी उतना ही न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है जितना कि खाद्य पदार्थ। कुछ लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो, हमारे देश में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल कभी बना नहीं था। स्कूल में हो अथवा प्रशासन में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सरकारी प्रोटोकॉल क्या है वो भी तब हमारे देश में बना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया कि इस बात का अभाव है, कम से कम इसकी तो चिंता कीजिए। और फिर लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करना कि अब देश की बहनों के लिए जनऔषधि केंद्र में 1 रुपए में सैनिटरी पैड अवेलेबल है। दीज वर सोशली टैबू कॉन्वर्सेशन विच वर मेन स्ट्रीम्ड बाई दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, एंड दैट इज वाई टूडे डॉक्टर काजी आपके प्रति और अंजुमन के सभी जितने यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि पोषण अभियान मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय का अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक अभियान है जिसमें नकवी साहब के नेतृत्व में हम आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ इस विषय को माइनॉरिटी कम्युनिटी में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। संक्षेप में 2-3 बिंदु आपके सम्मुख रखूंगी। आशीष भाई ने जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात का आश्वासन दिया कि पोषण माह भले ही 30 तारीख तक मनाया जा रहा है लेकिन सभी जनप्रतिनिधि, समाज के प्रति समर्पित सभी लोग इस विषय को आगे भी बढ़ाएंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने में आपका क्या योगदान हो सकता है? यहाँ हमारे कई कॉरपोरेटर्स उपस्थित हैं, कई जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। साल 2017 से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि गर्भवती गरीब बहनों के बैंक के खाते में पैसा दीजिए ताकि वो अपना वैक्सीनेशन, अपना खानपान और जो वेज लॉस है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, उसको और बढ़ावा दिया जाए। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अब तक 2 करोड़ बहनों के बैंक के खाते में भारत सरकार 8,800 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर चुकी है। क्योंकि जनप्रतिनिधियाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 30 तारीख के बाद भी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का पैसा या बेनिफिशियरी चिन्हित होकर उनको समय पर उनका पैसा, उनका समर्थन, आर्थिक सहयोग मिल जाता है कि नहीं, अगर इसकी चिंता आप अपनी लोकेलिटी में करते हैं तो वहाँ की बहनों को इससे बहुत लाभ होगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने भी आश्वासन दिया कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स जो भी करने हों कोविड की प्रोटोकॉल और उसके नियमों का पालन करते हुए हम वो करेंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी है, हम जानते हैं कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद समुदायों ने, समाज ने इस बीड़े को उठाया और अब तक कोविड के बावजूद साल 2020 में देश भर में 13 करोड़ एक्टिविटीज हुई हैं। तो इसमें इजाफा होगा आप सबके सहयोग से, ये मेरा विश्वास है। वर्षों वर्ष तक देश में चलती रही कि बच्चे आंगनवाड़ी जाएंगे, 1970 के दशक से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन आंगनवाड़ी जाकर फिर पोषण के बारे में चर्चा, लेकिन मेजर क्या, हाउ डू यू मेजर अ चाइल्ड, वो डिवाइसेस उपलब्ध नहीं थे। और पोषण अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लगभग 10 लाख आंगनवाड़ी तक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस पहुंचाएं और पहली बार मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैक किया जाए हर बेनिफिशियरी को क्या क्या लाभ मिले हैं, इनके लिए मोबाइल्स कम से कम आज देश भर में 9 लाख आंगनवाड़ी तक पहुँचे हैं। आगे भी संकल्पना है कि प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय कर पूर्ण रूप से इसको सैचुरेट करें, लेकिन आज ये कह सकती हूँ कि पोषण ट्रैकर के अंतर्गत देश भर में लगभग 9 करोड़ गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चों का
टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश और केंद्र की सरकार समन्वय से ट्रैकिंग कर रही है, ताकि किसी भी लाभार्थी की अगर कोई भी चुनौती हो तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार उस लाभार्थी के समर्थन और सहयोग के लिए उपलब्ध रहे। आज का कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा, गुजारिश हमारी ये थी कि कार्यक्रम मात्र मंत्रालय का ना हो, इसमें अंजुमन इस्लाम आगे आया और आपने इस बात का हमें संकेत दिया कि ये विषय हर परिवार तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे। कई लोगों को लगता है हाँ बच्चे थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, फिर खिला पिला देंगे, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं आशीष भाई को बता रही थी कि कुपोषण का बचपन में नहीं बल्कि जवानी में भी क्या इफेक्ट होता है। रिसर्च ये बतलाता है कि जो बच्चा कुपोषित है वो बड़ा होकर अगर अपनी आमदनी देखे तो सुपोषित बच्चे के कंपैरिजन में उसकी आमदनी 20% कम होगी। इसका मतलब कुपोषण जीवन भर की चुनौती बन सकता है। अगर हम ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि जब हिंदुस्तान में 100 साल हम आज़ादी का उत्सव मनाएंगे तब हिंदुस्तान कुपोषित नहीं होगा, हर बच्चा सुपोषित होगा। ये संकल्प अगर लेकर हम इस संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी ओर से योगदान देंगे तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, देश का ये स्वप्न साकार करने में हम सब सहभागी हो पाएंगे। आज इस सफल आयोजन के लिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब, डॉक्टर काजी साहब, अंजुमन के सभी महानुभावों को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद।